झूम कर नाचा सिंघानिया परिवार। राजा नक्श हुए घोड़ी पर सवार। आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला ब्यावन आया। आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला ब्यावन आया। कीर्ति के द्वारे पहुंची नक्श की बारात। नो वेडिंग पुलाव, नो वेडिंग पुलाव, खत्म हुआ इंतजार और गाजे बाजे के साथ नक्श पहुंच गए हैं अपनी दुल्हनिया को ब्याहने। और भाई ये कोई ऐसी वैसी बारात नहीं, ये तो है नायरा के भैया राजा नक्श की बारात, और इसीलिए तो इसकी रौनक भी देखते ही बन रही है। वॉल्यूम बढ़ाओ, सबको नचाओ, ये गाना फिर से बजाओ, दो वेडिंग पुलाओ। नायरा क्या दादी, क्या नानी और क्या मम्मी, भाई आज तो सभी लेडीज सज धज कर लगा रही है नक्श की बारात में ठुमके। ओए मुंडे वहां नचे और कुड़ियां नचे, नहीं करनी डिवीजन है। नायरा रानी भाई वो तो है आज सुपर बिजी, और हो भी क्यों ना, वो लड़के वालों और लड़की वालों दोनों की तरफ से रस्में जो निभा रही है। तो भाई चलिए सबसे पहले बात नायरा की सजधज की ही हो जाए। इस नीले रंग के भारी भरकम लहंगे और उस पर इस लाल ज्वेलरी में नायरा लग रही है एकदम रानी जैसी खूबसूरत। मुझे बहुत अच्छा लगा कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आई एम लविंग द ज्वेलरी, दिस नेकलेस इज सो ब्यूटीफुल। तो इट्स हैवी बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको बिल्कुल नहीं उतारती हूँ। एंड आई एम लविंग दिस नेथ, सब कुछ बहुत ही डिफरेंट है और बहुत सुंदर है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई अगर लड़के वालों की तरफ से आई लेडीज की सच धज है इतनी खास, तो लड़की वाले कैसे पीछे रहे, जरा देखे तो कीर्ति की मम्मी और चाची जी का श्रृंगार। एक्चुअली प्रॉपर वैसा फील आ रहा है, मैं बताती हूँ, इसको देखे तो जोधा जैसा फील आ रहा है हम लोगों को। एंड जो राजस्थान में प्रॉपर रजवाड़े में जो शादियाँ होती हैं ना, सेम वैसी ज्वेलरी, नथ गले का एंड लहंगा, हैवी लहंगा, तो फुल यू नो राजस्थान में जो राजमहल होते हैं जैसे वहाँ लड़कियाँ सजती हैं, निट्टो वैसा ही फील आ रहा है हम लोगों को। जैसे कि देख रहे हैं कान में झुमके पहने हुए हैं, काफ़ी हैवी हैं। मांग टीका पे इन्होंने इसको क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं ना, हाँ बोर वाला, हाँ। ये बोर वाला पहना है हम लोगों ने जो यहाँ से उठा हुआ है, ये टीका है, फिर यहाँ पे एंड देन गले में मैंने चोकर पहना हुआ है, कॉमन है, रेड कलर की चूड़ियाँ सबने पहनी हुई हैं एंड कमर चेन सबको कॉमन है। खैर साज सजावट में तो हर कोई एक दूसरे को टक्कर दे रहा है, लेकिन पंडाल और मंडप की सजावट भी कम नहीं। जरा देखिए कैसे रजवाड़े स्टाइल का गेट बनाया गया है और रोशनी से नहाया हुआ पंडाल है। वैसे आपको बता दें कि ये रिश्ता के शादी का ये सेट लगा है स्टार प्लस के शो आरंभ के सेट पर, जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन ये क्या, बराती के इस नाच गाने में नायरा क्यों नहीं है? नक्श की नानी, दादी, चाची सब डांस कर रहे हैं, लेकिन नायरा तो गायब है यहाँ से। अरे भाई नायरा इधर है अपने मायके और ससुराल के बीच, और यहाँ पर नायरा और कार्तिक के बीच चल रही है ढेर सारी मस्ती और छेड़खानी। खैर नाच गाना और हंसी मजाक के बाद बारात अंदर गई और सारी रस्में निभाई गई, लेकिन इन रस्मों में ना तो नक्श के चेहरे पर खुशी है और ना ही नायरा और कार्तिक के चेहरे पर। जहाँ तक नक्श की उदासी की बात की जाए तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसे बहुत डिस्टर्ब कर रही है।
फैमिलीज को लेकर बहुत ही कंसर्न रहते हैं नक्श, और अभी इस बार जो हुआ है उनके साथ, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने ही उनके फैमिली के मेंबर यानी उनके पापा उनके सहराबंदी पे नहीं होंगे, तो जो नहीं थे वो, तो उसे लेकर बहुत अपसेट, अभी जस्ट वेट कर रहे हैं पापा का कि पापा कब आएंगे। और नायरा ने कहा है कि फ्लाइट मिस हुई है, सो लेट्स सी क्या होता है। वैसे आज इस बारात को शूट करने के लिए पूरी सिंघानिया, गोयनका और महेश्वरी फैमिली साथ है, और पूरी रात सब साथ साथ शूट कर रहे हैं, और इसी बीच सबकी मस्ती और सेल्फी सेशन भी जारी है। पर ये सारी मस्ती तो कैमरे के पीछे चल रही है, सीरियल में तो अभी ट्विस्ट आने को है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सही वक्त पर नैतिक नक्श और कीर्ति की शादी में शामिल होने के लिए पहुंच पाएंगे, या फिर आएगा कोई नया ट्विस्ट। लेकिन फिलहाल तो आप भी शामिल हो जाइए नक्श की इस झूमती गाती बारात में। श्रुति बरजातिया, मुंबई आज तक।